ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको एक ऐसा अनुभूत मंत्र बताने जा रहा हूँ जो कि किसी भी बंद दुकान को खोल देगा। बहुत सारी क्वेरीज आ रही जिनमें कि लोग पूछ रहे हैं कि गुरु जी, व्यापार जो है वो मंदा चल रहा है, भरसक प्रयास कर लिए लेकिन जो कस्टमर है वो आता ही नहीं है। तो इसके लिए आपको बहुत ही सरल उपाय आज मैं आपको बताऊंगा। इसको कीजिएगा और आपकी दुकान में कस्टमर्स का तांता लग जाएगा, भीड़ आपसे संभाले नहीं संभलेगी। ये छोटी सी साधना कीजिएगा और इसके बाद आपकी दुकान में कभी भीड़ ख़त्म नहीं होगी। ये इतना प्राचीन गूढ़ रहस्य है कि लोग भूल ही गए हैं इसे, लेकिन आज मैं आपके सामने इसको उजागर करूंगा। तो आपको क्या करना है कि अपने आसपास कोई ऐसा स्थान ढूंढिए जहां पर कि कोई तालाब हो और उस तालाब में कमल के फूल खिले हों। यदि कमल के फूल का मौसम ना हो तो आप अगर कमल जहां पर खिलते हैं वहां पर अगर इस समय कमल ना खिले हों तो आप वहां पर कर सकते हैं, लेकिन कमल वहां पर होने चाहिए। किसी भी मौसम में खिलते हों आपको उस स्थान पर चले जाना है। एक ऐसा स्थान ढूंढना है जहां पर कि कमल खिलते हों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी खिले हुए हैं नहीं, लेकिन कमल वहां पर होने चाहिए। ऐसे स्थान में जाकर आपको, चाहे वो तालाब हो, चाहे कोई भी ऐसी जगह हो, चाहे आपके घर में ही तालाब या फिर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर कि कमल का फूल खिला हो, उसके पास बैठकर आपको ये साधना करनी है। आपको क्या करना है, जो आपको ये मंत्र दिख रहा है इस मंत्र को 21 बार किसी भी माँ लक्ष्मी की फोटो पर 21 बार जप लेना है। मंत्र है, जरा गौर से सुनिएगा और आपको ये थंबनेल पे भी मिल जाएगा। ओम शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवास श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सत की सवाई आवा चेतो करो भलाई, ना करो तो सात समुंदर की दुहाई। रिद्धि सिद्धि खग तो नो नाथ 84 सिद्धों की दुहाई। मंत्र एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा। ओम शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवास श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सत की सवाई आवा चेतो करो भलाई, ना करो तो समुद्र की दुहाई। रिद्धि सिद्धि खग तो नो नाथ 84 सिद्धों की दुहाई। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो मंत्र है ये दुहाई मंत्र है और दुहाई मंत्र जो होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। अगर इस मंत्र से आपने किसी भी प्रतिमा को सिद्ध कर लिया, ये आपको एक ही स्थान पर 7 दिन तक इस मंत्र को एक ही समय पर जाकर सिद्ध करना होगा। जैसे आज आप गए तो आपको एक हफ्ते तक ये 21 बार मंत्र उसी स्थान पर जाकर बोलना है, कमल के पास जाकर, कमल जहाँ पर उगे हों या फिर जहाँ पर उगते हों उस तालाब में, उस स्थान पर जाकर आपको इस मंत्र से किसी भी माँ लक्ष्मी की जो अष्टधातु से बनी हो उस प्रतिमा को सिद्ध कर लेना है। और उसके बाद नित्य प्रतिदिन धूप दीपक दिखाना है, अक्षत चढ़ाने हैं और जो भी यथासंभव जो भी आप कर सके मतेश्वरी को आप अर्पण कीजिए रोज़ सुबह अपनी दुकान में और इनको प्रतिष्ठित कीजिए अपनी दुकान में। इसके बाद जो है आपकी दुकान में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे, नाना प्रकार के रास्तों से आपके पास धन आने लगेगा। ये जिस जिस को मैंने प्रयोग करके दिया है वो आज की डेट में मालामाल हो गए हैं। जहाँ उनकी एक फैक्ट्री थी आज उनकी 10 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। ये सब होता है मातेश्वरी की कृपा से। जब मातेश्वरी को आप प्रतिष्ठित कर देते हैं अपने किसी भी व्यापार में
तो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की आप देखते ही देखते महसूस कर पाएंगे कि एकदम से ये कैसे हो गया। जब वो दुकान बंद पड़ी थी वो एकदम से कैसे चलने लगी। तो ये सब होता है मातेश्वरी की कृपा से। आप भी उनको रिझा सकते हैं, उन्हें मना सकते हैं, और यदि नित्य प्रतिदिन आप उनके सामने कुछ भी अर्पण करते हैं तो मातेश्वरी की कृपा आप पर बनी रहेगी। लेकिन ये नित्य होना चाहिए, यह नहीं कि 10 दिन बाद आप कुछ चढ़ा रहे हैं या फिर हफ्ते बाद देख रहे हैं। तो आपको प्रतिदिन मातेश्वरी का स्मरण करना है, उनका ध्यान करना है, तो आपके भंडार भरे रहेंगे। और ये जो तांत्रिक विधि मैंने आपको बताई है ये बहुत ही पावरफुल है। आज तक जिस जिसको ये यंत्र बनाकर मैंने दिया है उनके भंडार भर गए हैं। तो किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 999-284-1625 पर। धन्यवाद।